हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में हम वॉशिंग मशीन कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं वॉशिंग मशीन में कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट किए जाते हैं, उन कंपोनेंट्स की वर्किंग किस तरह से होती है, प्रॉपर कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, सब कुछ आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यदि कंपोनेंट्स की बात की जाए तो वॉशिंग मशीन में हमारे पास दो मोटर होती है। पहली होती है वॉश मोटर और दूसरी होती है स्पिन मोटर। जो वॉश मोटर होती है, जिस तरफ हमें कपड़े को धोना होता है तो धोने वाली साइड में हमेशा वॉश मोटर कनेक्ट होती है और सुखाने वाली साइड में स्पिन मोटर कनेक्ट होती है। और यहाँ पर हमें कैपेसिटर कनेक्ट करना होता है, जो वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर होता है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास चार तार नज़र आते हैं। तो जो दो तार होते हैं वो वॉश मोटर के लिए होते हैं और जो दो तार होते हैं वह स्पिन मोटर के लिए होते हैं। यदि रेटिंग्स की बात की जाए तो ये 10+4 माइक्रोफेरेड का है। दैट मीन्स इसमें बेसिकली देखा जाए तो दो कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 10+4 है, कहीं कहीं पर 6+10 भी होता है या 10+5 भी होता है। तो जो हमेशा ज़्यादा रेटिंग का कैपेसिटर होगा वो वॉश मोटर के लिए होगा और जो कम रेटिंग का कैपेसिटर होगा वह स्पिन मोटर के लिए होगा, क्योंकि वॉश मोटर की पावर ज़्यादा होती है और इस पर ज़्यादा लोड होता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि 10 माइक्रोफेरेड का कौन सा है, 4 माइक्रोफेरेड का वायर कौन सा है? तो आपको कैपेसिटर के ऊपर दिया गया होगा, जो भी 10 माइक्रोफेरेड के दो तार होंगे उसके तार आपको दिए गए होंगे और 4 माइक्रोफेरेड के जो तार होंगे वो भी दिए गए होंगे। तो जो 10 माइक्रोफेरेड का या जो ज़्यादा रेटिंग का वायर होंगे उसे आपको वॉश मोटर में कनेक्ट करना है और जो कम रेटिंग का वायर होंगे उसे आपको स्पिन मोटर में कनेक्ट करना है। इसके अलावा हमारे पास एक स्पिन टाइमर होता है, जिससे हमारी स्पिन मोटर कंट्रोल होती है। जितना टाइमिंग हम इसमें सेट करते हैं स्पिन टाइमर में, उतने टाइम हमारी स्पिन मोटर रन करती है। इसके अलावा हमारे पास एक वॉश टाइमर होता है। वॉश टाइमर डिफरेंट मॉडल के आजकल मार्केट में अवेलेबल है। ये जो टाइमर है हमारे पास, यह 4 वायर इस वॉश टाइमर है। कहीं कहीं पे 6 वायर वॉश टाइमर भी आता है, 7 वायर वॉश टाइमर भी आता है, बट आज के स्टूडियो में हम जो कनेक्शन करने वाले हैं 4 वायर वॉश टाइमर के हिसाब से करने वाले हैं। इसमें बेसिकली आपको चार तार नज़र आते हैं, वो चार तार का कनेक्शन कुछ भी हो सकता है, कलर कोड कुछ भी हो सकता है, बट प्रॉपर कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा हम सब कुछ सीखने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास एक अलार्म होता है। जब भी हमारे कपड़े धुल जाते हैं तो आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन से एक अलार्म बजता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी वॉशिंग मशीन बंद होने वाली है। तो ये जो उसका अलार्म का कनेक्शन होता है वो वॉश टाइमर के हिसाब से होता है। जैसे ही वॉश टाइमर की टाइमिंग कंप्लीट हो जाती है तो अलार्म को सिग्नल जाता है और अलार्म हमारा बजने लगता है, जिससे हम समझ जाते हैं हमारे कपड़े धुल चुके हैं और वॉशिंग मशीन बंद होने वाली है। और इसके अलावा हमारे पास एक ड्रेन स्विच होता है। जब आपने देखा होगा जो स्पिन साइड होता है, जहाँ पे कपड़े हमारे सूखते हैं, यदि हम उस डोर को ओपन करते हैं तो उस डोर को ओपन करते ही हमारी वॉशिंग मशीन स्टॉप हो जाती है, क्योंकि जो स्पिन मोटर होती है इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, डोर स्विच पे हमें एक यहाँ पे क्या होता है, एक स्विच लगा हुआ होता है डोर पे, जो स्पिन साइड होता है उस तरफ। यदि हम उस डोर को ओपन करते हैं तो हमारी जो मोटर है वह बंद हो जाती है। तो डोर स्विच का मेन काम यही होता है कि जब हमारी मोटर, जब वॉशिंग मशीन रन कर रही हो तो ये स्पिन मोटर को स्टार्ट नहीं होने देते। डोर स्विच बेसिकली देखा जाए तो स्पिन साइड में कनेक्ट होता है। जब हमारी स्पिन मोटर तभी रन होगी जब डोर क्लोज होगा। यदि डोर खुला हुआ होगा तो स्पिन मोटर हमारी कभी भी रन नहीं करेगी और हम कभी भी कपड़ों को धुलता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि डोर क्लोज होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमारे पास एक ड्रेन स्विच होता है। ये ड्रेन स्विच जो होता है ये मैकेनिकली ऑपरेट होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल का कोई भी कनेक्शन नहीं किया जाता है। चलिए अब हम समझ लेते हैं किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन यहाँ पर किया जाने वाला है। यदि वायर्स की बात की जाए तो हमारे पास जो वॉश मोटर होती है और स्पिन मोटर होती है, इनमें हमारे पास 3 तार होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों मोटर में हमारे पास 3-3 तार होते हैं। एक कॉमन तार होता है, एक स्टार्टिंग तार होता है और एक रनिंग तार होता है। तो हम यहाँ पर जो ब्लैक वाला तार है उसे कॉमन मान रहे हैं, जो रेड वाला तार है उसे रनिंग मान रहे हैं और जो ब्लू वाला तार है उसे स्टार्टिंग मान रहे हैं। आप किसी भी तार को पहले चेक करने से पहले मल्टीमीटर से ज़रूर चेक कर ले कौन सा कॉमन है, कौन सा स्टार्टिंग और कौन सा रनिंग है। इसके अलावा यहाँ पे कैपेसिटर में बात की जाए तो कैपेसिटर में हमारे पास 4 तार होते हैं। आप यहाँ पे कैपेसिटर पे पहले पढ़ ले कौन सा तार स्पिन मोटर के लिए है और कौन सा तार हमारे पास वॉश मोटर के लिए है। इसके अलावा वॉश टाइमर में हमारे पास 4 तार होते हैं, जो कि हमने यहाँ पर पहले ही बनाए हैं। इसके अलावा स्पिन टाइमर में हमारे पास 2 तार होते हैं इस तरह से। चलिए अब इन सब कंपोनेंट्स का प्रॉपर कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा हम समझ लेते हैं। हमारे पास जो सप्लाई के लिए केबल होती है उसमें हमारे पास 3 तार होते हैं, फेस, न्यूट्रल एंड अर्थ। 3 तार होते हैं बेसिकली। सबसे पहले यदि अर्थिंग की बात की जाए तो अर्थिंग हमें कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करना होती है, तो जो दोनों सिंगल फेस की मोटर होती है दोनों में हमें अर्थिंग कनेक्ट करना होती है।
तो जो अर्थिंग का तार जाता है सबसे पहले हमारी वॉशिंग मशीन में जाता है, वो स्पिन मोटर में जाकर लग जाता है, क्योंकि बॉडी पे हम कहीं पर भी अर्थिंग के तार को लगा सकते हैं। कहीं पर भी आप इस मोटर की बॉडी पे कनेक्ट कर दीजिए, जिससे जो भी लीकेज करंट आने वाला है वो यहाँ से अर्थ हो जाएगा। इसके अलावा यहीं से अर्थिंग हमारा जाता है और वो वॉश मोटर में चला जाता है। तो दोनों सिंगल फेज मोटरों को हमें पहले अर्थ करना है। इसके बाद यदि न्यूट्रल्स की बात की जाए तो न्यूट्रल हमें कहाँ कहाँ पर देना होता है, स्पिन मोटर में न्यूट्रल देना होता है, वॉश मोटर में न्यूट्रल देना होता है, और इस अलार्म में न्यूट्रल देना होगा। बेसिकली टाइमर में हमें कोई भी न्यूट्रल नहीं देना होता है। तो चलिए न्यूट्रल हमारा यहाँ से निकला। सबसे पहले जो हमारी स्पिन मोटर है, इस स्पिन मोटर के कॉमन टर्मिनल पर हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। तो इस मोटर में कॉमन में हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। इसके अलावा जो वॉश मोटर है, वॉश मोटर के कॉमन टर्मिनल में हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। तो दोनों मोटरों में हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। यहीं से हम एक न्यूट्रल लेंगे और इस अलार्म में किसी भी एक तार में हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा न्यूट्रल देख सकते हैं आप, अलार्म में भी हो चुका है, वॉश मोटर में भी जा चुका है और स्पिन मोटर में भी जा चुका है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कैपेसिटर का कनेक्शन किस तरह से किया जाने वाला है। तो कि माना हमारे पास ये जो दो तार है वो स्पिन मोटर के लिए है और ये जो दो तार है वो वॉश टाइमर वॉश मोटर के लिए है। तो हमें क्या करना है, एक किसी भी तार को लेना है और सबसे पहले इस मोटर के एक तार में कनेक्ट कर देना है किसी में भी, और एक तार यहाँ से लेना है कैपेसिटर का और इसे दूसरी जो लास्ट वाला टर्मिनल बचा है इसमें कनेक्ट कर देना है। देखिए मोटर के एक तार में हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया है और जो बचे हुए दो तार है उसमें कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह वॉश मोटर में भी करना होगा, जो एक तार है उसमें हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया और जो बचे हुए दो तार है उनमें हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारी दोनों मोटर में कैपेसिटर का कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी में न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है प्लस कैपेसिटर का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम समझ लेते हैं फेज का कनेक्शन किस तरह से किया जाने वाला है स्पिन मोटर के लिए एंड वॉश मोटर के लिए। चलिए सबसे पहले हम स्पिन मोटर के लिए फेज का कनेक्शन किस तरह से किया जाना है तो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फेज जाता है वो स्पिन मोटर की बात की जाए तो वो स्पिन टाइमर के द्वारा कंट्रोल होती है। तो जो हमारा फेज जाने वाला है सबसे पहले स्पिन टाइमर में जाएगा, ध्यान रखिए स्पिन टाइमर में जाएगा। जितना टाइम हमारे स्पिन टाइमर में सेट होगा, बेसिकली 15 मिनट के लिए भी आता है, 25 मिनट के लिए भी हमारे पास स्पिन टाइमर आता है। तो जितना टाइम हमारा स्पिन टाइमर में सेट होगा उतनी देर हमारी स्पिन मोटर रन होगी। तो जो फेज जाने वाला सबसे पहले स्पिन टाइमर में जाने वाला है। स्पिन टाइमर से निकलने के बाद ये हमारे डोर स्विच में आने वाला है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, जब डोर स्विच हमारा क्लोज होगा या लगा हुआ होगा हमारी स्पिन मोटर तभी रन होगी। तो डोर स्विच में जाने वाला है। डोर स्विच में बेसिकली एक स्विच कनेक्ट होता है और डोर स्विच से जैसे ही निकलेगा ये हमारी चले जाएगा मोटर की रनिंग वाली साइड में। आप देख सकते हैं यहाँ से मोटर वाली रनिंग साइड में हमारे पास यह जाने वाला है। तो देखिए हमारी स्पिन मोटर कब रन करेगी, जब स्पिन टाइमर ऑन होगा तब स्पिन मोटर हमारी रन करेगी। जितने टाइम के लिए स्पिन टाइमर ऑन होगा उतने टाइम के लिए हमारी स्पिन मोटर रन करेगी, प्लस जब हमारा डोर स्विच क्लोज होगा तभी हमारी स्पिन मोटर रन करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे स्पिन मोटर का कनेक्शन भी हो चुका है, डोर स्विच का कनेक्शन हो चुका है एंड स्पिन टाइमर का कनेक्शन हो चुका है, प्लस कैपेसिटर का जो स्पिन वाले साइड में कैपेसिटर कनेक्ट किया है उसका कनेक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रनिंग वाली साइड में सप्लाई दी है। यदि आप यहाँ पे देखे जाए स्टार्टिंग वाली साइड यदि सप्लाई देते हैं तो आपकी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी या उल्टी साइड से घूमने वाली है। चलिए यहाँ से यदि हम समझे वॉश मोटर एंड वॉश टाइमर का कनेक्शन किस तरह से किया जाने वाला है, तो यहीं से हमारा देखिए इनपुट से फेज लेना है, कभी भी टाइमर के आउटपुट से फेज नहीं लेना है। तो हमें यहाँ से इनपुट से ही एक फेज लेना है। यहाँ से इनपुट से हम एक फेज ले लेते हैं और उसे वॉश टाइमर के एक तार में कनेक्ट कर देते हैं। पहले आप मल्टीमीटर से चेक कर ले कौन सा यहाँ पे कॉमन है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है। अभी हम माना कि यहाँ पे हमने रेड वाले तार में एक सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट की, जो कि फेज हमने इनपुट सप्लाई यहाँ से दी है। अब आपने यदि देखा हो वॉशिंग मशीन में तो जो हमारी वॉश मोटर होती है वह कुछ टाइम के लिए दो या तीन राउंड हमारी क्लॉकवाइज घूमती है और दो और तीन राउंड यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। दैट मीन्स हमारी मोटर दोनों डायरेक्शन में घूमती है। तो ये दोनों डायरेक्शन में घूमने का जो वर्क होता है बेसिकली वॉश टाइमर के द्वारा किया जाता है। देखिए वॉश टाइमर में हमने एक तार यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और एक तार यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो इसमें एक एनोड एनसी होता है। तो क्या होगा, सपोज हमने माना कि जो येलो वाला तार है वो यहाँ हमने माना कि जो येलो वाला तार है वो हमारे पास क्लॉकवाइज में घुमाने के लिए मोटर है। तो येलो वाले तार को हम ले जाकर मोटर के रनिंग वाले साइड में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए जब हमारी सप्लाई यहाँ से निकल कर इस येलो वाली साइड में आएगी तो हमारी मोटर क्लॉकवाइज में रन करेगी क्योंकि रनिंग वाली साइड में हमने कनेक्ट किया है मोटर के। और जब हमारी सप्लाई यहाँ से कट होकर यहाँ पर आएगी ब्लू वाले में आएगी तो ये जाएगी और हमारे स्टार्टिंग वाले साइड में जाएगी, जिससे हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज में रन करने वाली है। ये सभी सेटिंग इस टाइमर में दी जाती है कि थोड़े टाइम के लिए हमारा मोटर
जो टाइमर है वो एनओ होता है, थोड़े टाइम के लिए एनसी होता है। तो जब हमारी सप्लाई यहाँ पर आएगी तो हमारी मोटर क्लॉकवाइज में रन करेगी, जब ब्लू तार में आएगी तो हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज में रन करेगी। तो ये बेसिकली स्पिन टाइमर के द्वारा ही सारा फंक्शन इसमें सेट किया जाता है। अब देखिए, हमारे पास जो वॉच टाइमर होता है वह 15 मिनट के लिए भी आता है, 25 मिनट के लिए भी आता है और 40 मिनट के लिए भी आता है। देखिए, जब तक हमारे टाइमर में सप्लाई रहेगी तब तक हमारी मोटर ये रन करेगी प्रॉपरली। जैसे ही हमारे टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा, सपोज 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ की सप्लाई जो निकलने वाली वो चौथे वाले तार में जाने वाली है। देखिए, पहले में इनपुट कनेक्ट किया है, दूसरे में क्या होगा, हमारी मोटर फॉरवर्ड में घूमेगी, तीसरे वाले तार से हमारी मोटर रिवर्स में रन करने वाली है, और जो चौथा वाला तार होगा जब इस यहाँ से सप्लाई हमारी कटेगी तो यहाँ से जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तो यह जो सप्लाई जा रही है वो चौथे वाले टर्मिनल से निकलने वाली है, और ये चौथे वाले टर्मिनल की सप्लाई जाकर हमारे अलार्म में चली जाएगी जिससे हमारा अलार्म ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही हमारे वॉच टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा, टाइमर का टाइम कंप्लीट होते ही हमारा अलार्म बजेगा जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारे कपड़े धुल चुके हैं, हमारी वॉशिंग मशीन मोटर बंद होने वाली है। तो यही बेसिकली सिंपल कनेक्शन होता है वॉच टाइमर। बेसिकली देखा जाए तो 6 वायर में भी आता है, 7 वायर में भी आता है और 4 वायर में भी आता है। 4 वायर टाइमर की वर्किंग किस तरह से होती है, टेस्टिंग किस तरह से की जाती है, इन सभी के ऊपर हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने वाले हैं। सो इस तरह आप वॉशिंग मशीन का कंप्लीट वायरिंग कनेक्शन समझ सकते हैं। आई होप आपको कनेक्शन समझ में आया हो। कनेक्शन वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट्स में जरूर बताएं। कोई डाउट हो तो उसे कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।